वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज हम डिस्कस करेंगे कि अन अकेडमी से हम कितना अर्न कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अन अकेडमी में हम कैसे टीच कर सकते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि मैम ये भी बताओ कि अन अकेडमी पर अगर हम एजुकेटर बन भी जाते हैं तो हम वहां से कितना अर्न करेंगे। तो आज हम वही पूरी डिटेल देखेंगे कि पहले क्या होता था, अभी क्या होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले कुछ और था, रूल था, और अभी जो है चेंज कर दिया है अन अकेडमी ने। तो पहले वाला तो अभी कुछ नहीं रह गया, क्योंकि पहले मैंने बताया था कि वहां पे स्टैटिक लर्निंग होती थी, बट अभी वहां पे क्या हो रहा है, ऑनलाइन स्पेशल क्लास कंडक्ट करवा दी है। जिसका भी डेमो क्लियर हो जाता है तो वो ऑनलाइन स्पेशल क्लास लेता है। ठीक है, अगर कोई 10 स्पेशल क्लास ले रहा है तो 10 स्पेशल क्लास का अन अकेडमी से 10,000 पे करती है। कितना पे करेगी? 10,000 रुपए अन अकेडमी से पे करती है। इतना तो पे करेगी ही करेगी। उसके साथ अगर इस एक महीने में आपने 10 स्पेशल क्लास ली है और उसमें आपने क्या किया है, आपके जो एक्टिव लर्नर है सपोज 1,000 है, मतलब आपने एक महीने 10 क्लास ली और उस 10 क्लास में आपके जो मतलब आपकी जो स्पेशल क्लास है वो 1,000 बच्चों ने ली। अब वहां पे एक्टिव मतलब 1,000 बच्चे जो थे वो एक्टिव लर्नर थी। अब एक्टिव लर्नर क्या होता है, एक्टिव लर्नर क्या होगा, जो 15 मिनट से ज्यादा आपकी क्लास को ऑनलाइन देखता है। मतलब जिसने आपकी आपने 1 घंटे की क्लास ली, 1 घंटे की क्लास में उसने 15 मिनट से ज्यादा आपकी क्लास को देखा है तो वो आपका एक्टिव लर्नर माना जाता है। तो अगर एक महीने में आपके 1,000 एक्टिव लर्नर थे तो आपको अन अकेडमी पे करती है 8,000 रुपीज। ठीक है, तो आपकी टोटल इनकम हो गई 18,000। ठीक है, अब अगर सपोज करो कि आपके यहाँ पे 1,000 की बजाय 8,000 एक्टिव लर्नर थे तो अन अकेडमी आपको कितना पे करेगी? 64,000 रुपीज। ठीक है, समझ रहे हो कि अगर आपने 1,000 की बजाय आपके 8,000 बच्चे थे, मतलब आपने इतना अच्छा पढ़ाया और आपके जो एक्टिव लर्नर थे वो 8,000 थे तो अन अकेडमी आपको 64,000 रुपए पे करेगी। तो आप ये सोच सकते हो कि कितना ज्यादा इंसेंटिव वहां पे है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि अगर ऊपर वाले हो जाते हैं, जैसे 8,000 में यहाँ पे 8,300 बच्चे हैं तो अन अकेडमी 300 बच्चों का कुछ भी पे नहीं करेगी, माइलस्टोन अचीव करने पे ही आपको पेमेंट मिलेगी। मतलब 1,000, 8,000 इस तरीके से ही आपको अगर माइलस्टोन आपने चीज किया है, मतलब उसको अचीव किया है तो ही आपको पेमेंट मिलेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकेंड थिंग कि अन अकेडमी पर टॉप 5 एजुकेटर को अवार्ड दिया जाता है, या फिर आप ये कह लो कि इंसेंटिव दिया जाता है पूरी अन अकेडमी पे जितने भी वहां पे एजुकेटर हैं। जो फर्स्ट पोजीशन पे आता है उसको 2,50,000 रुपीज जो है वो अन अकेडमी पे करती है। ठीक है, अगर जो सेकंड पोजीशन पे आता है उसको 1,50,000 रुपीज उसको मिलता है, जो थर्ड पोजीशन पे आता है उसको 75,000 रुपीज मिलते हैं, जो फोर्थ पे आएगा उसको 50,000 रुपीज मिलते हैं, और जो लास्ट पोजीशन पे आता है उसको 25,000 रुपीज मिलते हैं। ये पूरा वो है जो टोटल अन अकेडमी पर एजुकेटर है, और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा लर्नर किसके साथ जुड़े हुए हैं उनमें से टॉप 5 जो है एजुकेटर उनको उठाएगी और उनको इतना पे करती है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि मतलब अन अकेडमी जो है वो कितना पे कर रही है आप लोगों को। तो मतलब आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है अगर आप अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आते हो, तो मतलब टीचिंग के साथ साथ आपका जो इंसेंटिव है, इनकम है, वो काफी अच्छी हो जाती है। प्लस अगर स्पेशल क्लासेस आपकी इतनी अच्छी लग जाती है, और अगर आपको प्लस एजुकेटर बना देते हैं कि सपोज उन्होंने आपको प्लस एजुकेटर बना दिया है, तो आप सोच सकते हो कि आपकी जो एक तो फिक्स सैलरी हो जाएगी, या तो ये है कि जितने लर्नर होंगे जितना होगा वो फिक्स नहीं रहेगा, किसी महीने कुछ किसी महीने कुछ, बट अगर आप प्लस एजुकेटर बन जाते हो तो आपकी हर चीज जो है वो फिक्स हो जाएगी कि इतना तो आएगा ही आएगा, अगर आपने माइलस्टोन अचीव किए हैं उसका आपको अलग से मिलेगा। ठीक है, तो ये है पूरा अन अकेडमी पे कि आप कितना अर्न कर सकते हो। आई होप आपको अच्छा लगेगा। लेकिन मैं अगर आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर आप अन अकेडमी पर सिर्फ यही सोच के आ रहे हो कि हमें तो अच्छा खासा पैसा कमाना है,
तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मत आइए, क्योंकि आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। आपके जो लेसन है वो आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे जो मतलब कहीं से भी कॉपी किए ना हो, मतलब ऐसा आपका कंटेंट होना चाहिए ताकि अगर आप किसी को एक बार बताओ, बच्चा जो है वो आपके मतलब आपसे एक बार जुड़ गया तो मतलब जुड़ गया। ये नहीं है कि एक बार जुड़ा फिर नहीं, अरे आप समझ नहीं आ रहा, मतलब आपको कंटेंट जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको जो मेरी वीडियो है और जिन बच्चों के डाउट थे कि मैम कितना कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते हैं, वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका पैशन है टीचिंग तो आप अपनी पैशन के साथ साथ एक अच्छी खासी इनकम भी यहाँ से कमा सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने मुझे अनअकैडमी में फॉलो नहीं किया है तो प्लीज अनअकैडमी में फॉलो कर लीजिए। और अनअकैडमी जो है आजकल तो सभी जानते हैं कि काफी अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है, और बहुत सारे जो है वो मतलब ज्यादातर जो है अनअकैडमी को ज्वाइन कर रहे हैं टीच कर मतलब टीच करने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जो भी अनअकैडमी पर एजुकेटर बनना चाहता है। अगर आप चाहते हो कि 3 मिनट का डेमो कैसे दें, जो जिन बच्चों के डाउट है कि 3 मिनट का डेमो कैसे दें कि हमारा जो डेमो है वो एक बार में ही क्लियर हो जाए, तो आप कमेंट करके बता सकते हो ताकि जो जो गलतियां मैंने की वो आप लोग ना करें और आपका फर्स्ट टाइम में ही आपका वहां पे डेमो जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।